अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8th लेक्चर 1 ऑफ यूनिट 1 विच इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं और फिर ये सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ मूव टूवर्ड द टॉपिक, वट इज़ ऑर्गन सिस्टम एंड हाउ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली है क्या और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन आर मोर फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम हम किसको कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम बनते कैसे हैं। डिफरेंट सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू मेकअप ऑर्गन एंड ऑर्गन लिंक टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम विच परफॉर्म बॉडी फंक्शन। किस तरह से ये ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, मुख्तलिफ टिशू सेल्स जो हैं वो कंबाइन होकर टिशू बनाते हैं, टिशू जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन आपस में लिंक करते हैं, मिलते हैं, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है जो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि सेल जो है वो कंबाइन होकर टिशू बना रहे हैं, टिशू कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं जो कि हमें स्टमक नज़र आ रहा है, और ये ऑर्गन जो है वो कंबाइन होकर आगे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं कि किस तरह से सेल ज्वाइन होते हैं, फिर वो आपस में टिशू बनाते हैं, टिशू मिलकर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को जो कि है हमारे पास नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ द कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से सिग्नल लेता भी है और उनकी तरफ ट्रांसमिट भी कर देता है। हाउ, कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टच अ हॉट स्टोव क्विकली मैसेज कन्वे टू अवर ब्रेन एंड ब्रेन ऑर्डर अस टू जर्क अवर हैंड। किस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करता है कोई भी सिग्नल बॉडी की तरफ या उससे लेता है। उसकी एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर हम किसी गर्म चूल्हे को या किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन से मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन हमारे हाथ को ऑर्डर करता है कि वहाँ से हाथ हटाओ। ठीक है, तो ये सिग्नल लेना, उसके ऊपर एक्शन करना और उसको दोबारा से ट्रांसमिट करना बॉडी की तरफ, ये सारा काम किसका है, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है। तो डिवाइड किया गया है नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में। सबसे पहला है जी इसका CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो वी विल डिस्कस दीज टू पार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल CNS, व्हाट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फर्दर, अच्छा ये जो है ये पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है CNS, और इसमें हमारे पास शामिल होते हैं इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन, व्हाट इज़ ब्रेन। ब्रेन जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है जो बाकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम। ये हमारे पास एक केस में जो है इनक्लोज्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम या फिर खोपड़ी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट किया होता है लेयर ऑफ़ द कनेक्टिव टिश्यूज़ ने विच इज़ नोन एज मेनेंजीज। ठीक है, इस ब्रेन के ऊपर लेयर ऑफ़ टिश्यूज़ होती हैं या मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसने इसको प्रोटेक्ट किया होता है, उनको हम कहते हैं मेनेंजीज। और CSF इज़ ऑल्सो प्रेजेंट विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। CSF इज़ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, थिक फ्लूड होता है जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और वो इसको किसी भी किस्म के शॉक से या किसी भी किस्म के ट्रामा से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का एक डेलिकेट ऑर्गन है। ये हमें डायग्राम नज़र आ रही है एक ब्रेन की जिसमें लेबलिंग करके बताई हुई है कि यहाँ पे हमारे पास सेरिब्रम है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके साथ साथ हमारे पास इसकी फर्दर डिवीजन बताई हुई है, थैलेमस है, मिड ब्रेन है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वी विल डिस्कस दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन वन बाय वन।
First of all, division of brain. Brain is divided into three parts, forebrain, midbrain and hindbrain. Brain को हमने three parts में divide किया हुआ है. सबसे पहले आता है जी forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, what is forebrain? ठीक है, forebrain, it is the largest part of the brain and consists of three parts, cerebellum, thalamus and hypothalamus. ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी भी फर्दर डिवीजन है. इसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. वी विल डिस्कस दीज पार्ट वन बाय वन. व्हाट इज सेरिब्रम? फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रम, व्हाट इज सेरिब्रम? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट शुड बी डिवाइडेड इंटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर. ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसको डिवाइड किया होता है, एक हेमिस्फेयर्स बन जाते हैं. डिवीजन जब होती है राइट साइड पे जो आता है उसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, जो लेफ्ट पोर्शन में है उसको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं. लेकिन ये दोनों हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल द लेफ्ट फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम एंड लेफ्ट साइड कंट्रोल द राइट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम. ठीक है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट साइड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर से मोटर न्यूरॉन गुजरते हैं जिसकी वजह से इनके फंक्शंस जो हैं वो अल्टरनेट हैं. ठीक है, अब इट सेल्फ सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग. जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ हमारी मेमोरी होती है, जो मेमोरी मतलब जो कुछ हमने देखा होता है, सुना होता है, वो काफ़ी टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर रहती है. उसको कंट्रोल करना, जो कुछ हम सीख रहे होते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करना सेरिब्रम का काम है. इसके अलावा इसका मेजर फंक्शन ये है कि इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेंसेस, दैट इज़ वीन एंड हेयरिंग. जो हमारी बॉडी में फाइव सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, टच, स्मेल, टेस्ट, उनका ये कंट्रोल सेंटर है. ठीक है, सेरिब्रम उनका कंट्रोल सेंटर है. सेरिब्रम के पास पूरा कंट्रोल है, किस तरह से हमने देखना है उसको, कैसे हमने सुनना है, टेस्ट करना, ये सब कुछ कंट्रोल हमारा सेरिब्रम के पास है. नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास थैलेमस. व्हाट इज़ थैलेमस? इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड सेरिब्रम बाय रिसीविंग इन्फॉर्मेशन लाइक टच एंड साउंड. ठीक है, थैलेमस जो है ये एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है बॉडी और सेरिब्रम के दरमियान में. किस तरह से? कि ये किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेरिब्रम के पास भेज देता है. ठीक है, जैसे टच हो गया, साउंड वगैरह हो गया. थर्ड पोर्शन आता है फॉरब्रेन का, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस? इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थैलेमस. ठीक है, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस आता है और इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. मीन्स टू से दैट कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करेगा, अगर कम है तो उसको मेंटेन करेगा. एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मल या अपनी मेंटेनेंस तक लाने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस का है. ये पार्ट थे जी फॉर ब्रेन के. सेकेंड हमारे पास आता है मिड ब्रेन. व्हाट इज़ मिड ब्रेन? इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन का सेंट्रल या मिड पार्ट जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन है, जैसे कि वो अपने नाम से जाहिर है. इसके क्या फंक्शंस हैं? इट ट्रांसफॉर्म इन्फॉर्मेशन बिटवीन फॉर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भेजता है, ट्रांसफ़र करता है फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में. ठीक है, इसी तरह इस वजह से इसको मिड या फिर सेंट्रल पार्ट कहते हैं ब्रेन का. और इसका फंक्शन क्या है? ये स्लीपिंग या वेकनिंग में हेल्प करता है. हमारे सोने जागने के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है, कब हमें नींद आती है या नींद से हमने कैसे उठना है, उसको कंट्रोल मिड ब्रेन करता है. इसके अलावा ये कंट्रोल करता है हमारे प्यूपल के साइज़ को और लाइट एंट्रिंग को. प्यूपल जो है वो हमारी आई का स्मॉल ब्लैक पोर्शन होता है, जो कि हमारे पास उसका काम ये होता है कि वो लाइट को एंटर करता है, कि कितनी लाइट हमारी आई इसमें एंटर होगी. तो मिड ब्रेन का क्या काम है कि ये प्यूपल के साइज़ को इंक्रीज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत तेज़ रोशनी में देख रहे हैं तो ये प्यूपल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ा देता है, छोटा कर देता है, ताकि कम लाइट एंटर हो और हमारे आई सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हो. और अगर हम किसी डिम लाइट में देख रहे हैं तो ये प्यूपल का साइज़ डायलेट कर देता है, खुला कर देता है, ताकि लाइट ज़्यादा एंटर हो और हमें क्लियर नज़र आए. नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन, विच इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ये जो है ये भी हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है सेरिबेलम में, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में. वी विल डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन. फर्स्ट
is the cerebellum. Cerebellum is the second largest portion of the brain. Brain का second largest portion जो है वो cerebellum है. First largest portion हमने पढ़ा था forebrain का cerebellum था, ठीक है. इसका function क्या है कि it help in the locomotion and balance. हमें जो हम चल रहे होते हैं उसमें ये help करता है और हमारी body को balance करता है. Balance से मुराद के हम चलते हुए जर्की शेक नहीं होते, बिल्कुल straight चल रहे होते हैं, तो उस चीज़ को control करना जो है वो सेरिबेलम का काम है. नेक्स्ट हमारे पास सेरिबेलम के बाद आता है जी पोन्स. व्हाट इज़ पोन्स? इट इज़ ओवल शेप एंड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, ये ओवल शेप होती है, छोटी सी होती है और ये ब्रिज का काम करती है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के दरमियान में. किस तरह से ब्रिज का काम करती है? मीन्स टू से दैट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के दरमियान. इसका काम क्या है? कंट्रोल ब्रीथिंग एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस. ठीक है, ये हमारी ब्रीथिंग, सांस लेने के निज़ाम को कंट्रोल कर रही होती है और साथ में हमारे फेशियल्स एक्सप्रेशंस, जो फेस पे हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, कब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो अच्छे एक्सप्रेशंस आते हैं, खौफ के टाइम कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, डर के टाइम कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो सारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना पोन्स का काम है. इसके साथ साथ ये स्लीपिंग को भी कंट्रोल करती है, हमारे सोने को कंट्रोल करती है और आईज़ की मूवमेंट, जो हमारी आईज़ जो है मूव करती है, लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो तो लेफ़्ट मूव करती है, उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना भी पोन्स का काम है. ठीक है, और थर्ड पोर्शन है हाइंड ब्रेन का और लास्ट पोर्शन है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. इट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट करता है. इसका फंक्शन क्या है? ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है. इसके अलावा डाइजेशन को, जो हज़म होने का निज़ाम है उसे कंट्रोल करता है. स्नीजिंग, छींकें जो आती हैं उनको कंट्रोल करता है. उसके साथ साथ इट कंट्रोल स्वेलविंग. स्वेलविंग कहते हैं जब हम खाना चबा के निगलते हैं, तो उस निगलने के प्रोसेस में का जो कंट्रोल है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास है. और इसका सबसे मेजर काम यह है कि इट वर्क व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट. ये तब भी काम कर रहा होता है जब बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट पे होती है. तब कैसे काम करता है? तब इस तरह से काम करता है जैसे हमने कहा है कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है. तो अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है, हम सो भी रहे हैं, तब भी हमारा दिल जो है वो धड़क रहा होता है, तो उसकी धड़कन को कंट्रोल करना मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने CNS का फर्स्ट पार्ट यानी कि ब्रेन डिस्कस किया है. थैंक यू.